अजय शुक्ला जी, आप चूंकि चंडीगढ़ में हैं, पंजाब की राजनीति में, पंजाब की राजधानी में, और आप ज्यादा बेहतर हम लोगों से, हम चारों में ज्यादा बेहतर आप बता सकते हैं कि एक 22-23 साल का नौजवान जो क्लासनिकोव और एसएलआर चलाने में पारंगत होकर के और उसके बाद बेरोजगार होकर के घर पर लौटेगा, अब तो गांव गांव में जो नौजवान जाएगा उसके बाद उन गांव की सामाजिक, गांव का सामाजिक परिदृश्य किस प्रकार का हो सकता है? वो आतंकवादी बनेगा, ये इतिहास बताता है। इतिहास बताता है कि जब ये स्थितियां हुई थी, आप देखिए जो आतंकवादी घटनाएं हुई थी, उन घटनाओं में जो आतंकवाद पनपा था, उन घटनाओं में वो लोग इन्वॉल्व थे जो तमाम कम वक्त पे सेना से जो बाहर आए थे, वो सारे लोग थे जिनके अंदर जोश था, जिन्होंने 15 साल या 20 साल नौकरी की थी, वही लोग, और उन्होंने ही उसकी पूरी कमान संभाली थी, उन्होंने ही ट्रेनिंग कैंप्स चलाए थे। तो इस बात को आप समझ लीजिए, और यह स्थिति बहुत बीभत्स होने वाली है, क्योंकि आप देखिए इस समय खालिस्तान का नारा बुलंद होने लगा है पंजाब में, जगह जगह जी खालिस्तान के नारे लिखे जा रहे हैं, तमाम तरह से हो रहे हैं, घटनाएं हो रही। तो इससे आप समझ लीजिए कि इसके बाद में ये अग्निवीर आ जाएंगे, इसके बाद और भी भयावह स्थिति होगी। आज भी आप देखिए सीएमआई का आंकड़ा ही कह रहा है कि सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी है वो हरियाणा में, और हरियाणा के बाद में पंजाब की बेरोजगारी स्थिति आप देखिए। में लोगों की शादियां नहीं हो रही है, यहां तक कि बहुत लोग तो मुख्यमंत्री बन के रोजगार प्राप्त कर रहे हैं तब उनकी शादियां हो रही है। मैं वही 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 कह रहा हूं। है तो वो स्थितियां हैं कि स्थिति ये हो जा रही है कि पंजाब, यदि हरियाणा की बात करेंगे तो करीब करीब जो ये अंबाला से लेकर के 10-12 जिले ऐसे हैं जो सिख बाहुल जिले हरियाणा के भी, और उन जिलों में चाहे कुरुक्षेत्र हो, चाहे करनाल हो, चाहे इधर हो, चाहे पहवा हो, इधर ये सारे इलाके जो हैं ये सब सिख बाहुल है, सिरसा और इधर। तो आप ये समझिए कि यहाँ पर जितना कुछ है तो ये सब आएंगे और उधर होगा, ये एक बहुत बड़ी समस्या बनने वाले हैं। इसके बाद में जो आप दूसरे देखिए, और सबसे ज्यादा जो जज्बा होता है आर्मी में जाने का, वो पंजाब हरियाणा में होता है, पश्चिम उत्तर जी प्रदेश में होता है, उसके बाद में दूसरी जगह होता है, और ये संख्या बताती है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा है, जो आंकड़े बताते हैं। नहीं, तो अच्छा एक बात उन्होंने बताइए क्योंकि अजय शुक्ला जी, पंजाब जी हरियाणा की बात आप कर दिए, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तो सैनिक, भूतपूर्व सैनिक इतने ज्यादा है कि वहां एक सैनिक कल्याण मंत्रालय भी है, वो एक शांत स्टेट है, तो क्या वहां 4 साल के बाद नौजवान लौट करके सेब की खेती करेंगे हिमाचल प्रदेश में? सेब की खेती करने के लिए भी तो वो होना चाहिए, जमीनें किसके पास है, चंद लोगों के हाथ में, और उसमें भी अब कॉरपोरेट इंटर कर चुकी है। आपको याद होगा अभी सेब की खरीदारी में अदानी ही थे जो सेब के भाव तय कर रहे थे, तो आप भूल जा रहे हैं कि वहां पर भी वो इंटर कर गए। आप ये समझ राफेल की लीजिए, टेक्नोलॉजी हासिल करने में अंबानी है और सेब की खरीदारी में अडानी है, ये तो हालत मैं है। वही कह रहा हूं। दूसरी चीज आप देख लीजिए, पंजाब का रोजगार जो है एमएसएमई से चलता था, और आंकड़े बताते हैं भारत सरकार के, मेरे नहीं, भारत सरकार ने अभी हाल ही में जो जानकारी शेयर करी आरबीआई ने, उसके मुताबिक जो माइक्रो और लघु उद्योग है, मतलब एमएसएमई सेक्टर है, उसमें 27% पर कॉरपोरेट ने कब्जा कर लिया है, जो सबसे बड़ा वो है। इसके बाद आप देख लीजिए, आप बाकी चीजें आप देख लीजिए। मैं इसी पे अब एक 5 मिनट चाहिए हैं कि आप जी देखिए, भारत सरकार के आंकड़े कह रहे हैं कि 3,01,000 करोड़ रुपए, 3,01,000 करोड़ रुपए जो है अंबानी, सॉरी अदानी को सिर्फ बैंक लोन दिया गया है, और उस जी बैंक लोन में 72,000 करोड़ रुपया बैंक लोन माफ कर दिया गया इसी नरेंद्र मोदी सरकार ने, और वो कहते हैं 72,000 करोड़ माफ करने हैं कि हम 60,000 करोड़ रुपए की चैरिटी करेंगे। आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि उन्होंने जो तमाम सारा ये कैप्चर किया है, जो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम अपने घरेलू उसके आधार पर खड़े हो जाएंगे, और विदेशी जो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट था, 2,50,000 करोड़ का विदेशी इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ से बाहर चला गया, ये नरेंद्र मोदी की उपलब्धि है। नरेंद्र मोदी की उपलब्धि है कि देश 95% कर्जदार हो गया है,
95%, पांच जी परसेंट सिर्फ आपका बचा है। सैलरी देने के लिए भी आप कर्ज ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में देखिए, अखिलेश के समय में जो कर्ज था वो आज डबल हो चुका है। मतलब 1947 से लेके 2017 तक जो था वो आज डबल हो गया है। भारत सरकार में देखिए, अभी सिर्फ 8 साल में 77 लाख करोड़ का कर्ज एक्स्ट्रा लिया गया है। और ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है अजय शुक्ला जी, बड़ा बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है। मैं इसी पे एक डाटा और बता देता हूं। और 1947 से लेके 2014 तक सिर्फ 53 लाख करोड़ था कर्ज था, जो अब 131 लाख करोड़ हो गया है। और इस वित्तीय वर्ष के समाप्ति तक ये 180 करोड़ से 180 लाख करोड़ से अधिक हो जाएगा, आप समझ लीजिए। तो आज आप सितंबर के बाद में आपके पास फॉरेक्स रिजर्व जो है खत्म होने की दिशा में बढ़ जाएगा। आपकी देनदारी है 263 लाख करोड़ बिलियन डॉलर की। तो आप समझिए, आपके यहाँ फॉरेक्स जो रिजर्व है वो आपका 590 करोड़ पे पहुंच गया है, आप इन सॉरी बिलियन पे। तो आप ये समझिए कि इन सारी स्थितियों को देखिएगा तो देश कितनी भयावह स्थिति में जा रहा है, आप कल्पना नहीं कर सकते। बेरोजगारी हमारे यहाँ, भुखमरी हमारे यहाँ है, कर्ज हमारे ऊपर लद गया है, और सारी जितनी पूरे देश की प्रति व्यक्ति आय नहीं है उतना प्रति व्यक्ति उससे ज्यादा आपके ऊपर कर्ज लद गया है। चलिए जो पूछना चाहिए अजय शुक्ला जी, संक्षिप्त टिप्पणी आपकी, क्या अग्निवीर ही भारतीय युवाओं की नियति है? और यही अगर नियति है तो सॉल्यूशन क्या है? देखिए, नियति तो अब यही है, क्योंकि आपने ही अपनी नियति तय की है, जनता ने तय की है, किसी और ने नहीं तय की है। इसके लिए दोष मैं किसी को नहीं दे सकता हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी को आप क्यों दोष दें? आप क्यों दोष दें योगी आदित्यनाथ को? चुन के किसने बैठाया? जब आप खुद फांसीवाद को चुनते हैं, जब आप खुद बुलडोजर को चुनते हैं, जब आप खुद हिंदू मुस्लिम पर वोट देते हैं, आपने तो रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, आपने तो वोट दिया नहीं देश की इकोनॉमी बनाने के लिए, आपने देश को सशक्त और सुरक्षित बनाने के लिए नहीं दिया, आपने चीन से बचाने के लिए नहीं दिया, चीन हमारे देश के 1000 किलोमीटर पर कब्जा कर लेता है, आप कुछ नहीं बोलते, नेपाल जैसा देश हमारे यहाँ कब्जा कर लेता है, कोई कुछ नहीं बोलता। तो इन सब स्थितियों में जब नफरत फैलाने के लिए आप वोट देंगे तो फिर आप अग्निवीर भी बनेंगे और बर्बादी भी झेलेंगे। आपके घर में ही आपकी बेटियों से आपके सामने रेप होगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। नफरत के नाम पर रोज हत्याएं होंगी, आपके लोग मारे जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, आतंकवादी बनाने का काम आप खुद कर रहे हैं, और जब कर रहे हैं तो फिर क्या कहेंगे? तो यही नियति है, क्योंकि आपने अपनी नियति नरेंद्र मोदी, भाजपा और योगी आदित्यनाथ के नाम पर, बुलडोजर के नाम पर वोट दे करके आपने ये किया है। जो बात आप समझिए, सच्चे व्यक्ति आपको पप्पू लगते हैं, जो झूठे हैं वो आपको काबिल लगते हैं। जिनके अंदर कोई काबिलियत नहीं है, देश को बस्ट पोजीशन पे ले आते हैं, वो आपको अच्छे लग रहे हैं। और जो देश को बनाते आए 70 साल से, उनसे आप सवाल करते हैं कि 70 साल में क्या हुआ? 70 साल में ही ये हुआ कि आप ये पूछ पा रहे हैं और इस काबिल बन पाए। तो जब यह स्थिति होगी तो निश्चित रूप से अग्निवीर ही बनेंगे, अभी जो बन गए हैं बनेंगे, या और भविष्य में अब सब बनेंगे। ये IAS अफसर भी बनना शुरू हो गए अग्निवीर, आपने देख लिया कि कैसे भारत सरकार में लिटरल एंट्री शुरू हो गई, किस तरीके से सेना में भी ये शुरू हो गया। अब सेना ही बची थी, अब कोई और जगह नहीं बचेगी, तमाम विभाग तमाम सारी चीजें बेचे जाने की तैयारी है। पुलिस महकमे के 50 सर्विसेज जो है निजी हाथों में देने की तैयारी है, जो प्राइवेट स्कूल्स और सब जगह जो करने का है कि किस तरह से प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे स्कूल्स चलाए जाए, प्राइमरी सौंप दिए जाए, कर दिया जाए। अजय शुक्ला जी, कार्यक्रम के अंत में हम आपको एक बात और बता दें, पता नहीं कितनी सच है कितनी गलत, मुझे एक सरकारी अधिकारी ने बताया था कि राज्य सरकार के स्कूलों के पास अथाह जमीन है, उन पर शॉपिंग मॉल भी बनाए जा सकते हैं खाली इलाके में। बिल्कुल सही कह, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हर चीज बेचने की तैयारी है। जो कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, उन्होंने सब कुछ बेचने का
का शुरुआत नहीं, कुछ आधे से ज्यादा तो बेच दिया है। 100 पूंजीपतियों के पास देश के, सिर्फ 100 पूंजीपतियों के पास देश की आधी संपत्ति है, और आधी में पूरा 130 करोड़ लोग हैं। तो आप जी समझ लीजिए कि यह देश की बिल्कुल हालत हो गई है। जी सही बात आपने कही है। और ये अग्निवीर स्कीम दरअसल सिर्फ इंडियन आर्मी या एयरफोर्स के लिए नहीं है, दरअसल यही अग्निवीर अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग नाम से लंबे समय से चलाया जाता रहा है, जिसके खिलाफ उचित समय पर आवाज नहीं उठी, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय सेना के दरवाजे पर भी इस कॉन्ट्रैक्ट वाली संविदा वाली नौकरी ने दस्तक दे दी।